हेलो गाइस, आज मैं डिफरेंट तरह के करेले बना रही हूँ। ये मैंने जो करेले के बीज होते हैं उनको लिया। इसमें एक टमाटर है, चार हरी मिर्च है लाल वाली जो होती हैं, और इसमें थोड़ा सा अदरक है। देखिए, इनको मैंने क्रश कर लिया। और ये मैंने करेलों को जो है मैंने एक दिन पूरा धूप में रखा है, इन्हें पूरा खाली करके। और ये एक दिन पूरा रख के अगले दिन गाइस बनेंगे। और आगे देखिएगा इसमें क्या ट्विस्ट आता है, जिससे करेले और भी टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल है, गर्म हो गया है। उसके बाद ये जीरा है और ये कसूरी मेथी जो हमने क्रश करी है। इसको देखिए गाइस, ये गर्म हो गया। अब इसमें हम जो हमने ये मसाला बनाया था, ये बीज और करेले के और हरी मिर्च, अदरक और एक लीफ कड़ी पत्ते की है, ये डाल देंगे। ये देखिए गाइस, हमने बेसिक मसाला डाल दिया। इसमें हल्दी है, धनिया है, नमक है और गरम मसाला है और अमचूर पाउडर है। इस तरह से हम इसको भूनेंगे धीमी आंच पे। और जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद इनको हम इस मसाले को करेले में भर देंगे। देखिए गाइस, ये सारे करेले मैंने भर लिए हैं इसके अंदर। ये देखिए, एकदम पूरे उसमें आ गए हैं इस तरह से, देखिए। और इनकी ये देखिए डंडी नहीं काटनी गाइस। देखिए गाइस, इस तरह से मैंने सारे करेले भर लिए हैं। कितना प्यारा कलर आया है, इस तरह बना के देखिएगा। और यहाँ सरसों का तेल लिया है, बिल्कुल कम लिया है मैंने, इतने में ही हम इसको बनाएंगे। देखिए गाइस, सारे करेले हमने डाल दिए और ये साउंड सुन रहे हैं आप, ये अभी मैंने तेज आंच में डाले हैं। इस तरह से हमने एक एक करके सारे करेले रख लिए। और आगे आप देखिए इसमें मैं ऐसा क्या चीज़ डालूंगी जिससे ये और भी टेस्टी बनेंगे। और गाइस, इसको उसके बाद हम इसको सिम कर देंगे, बिल्कुल सिम आंच पे। तो ये गर्म आंच पे करने के बाद ये साउंड सुन रहे हैं आप इस तरह से, और फिर अब इसको हम थोड़ी देर में सिम आंच पे कर देंगे। देखिए गाइस, हमारे करेले बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए इतने प्यारे अक्का मॉल ने बनाए, हमने एकदम रेडी हो चुके हैं गाइस। ये देखिए, और जो मैं सीक्रेट मसाला बोल रही थी ना, ये देखिए, ये है, ये हमारे जो है ये अलसी के बीज हमने बारीक पीसे हैं। इसमें हल्का सा नमक डाला है। इस तरह से गाइस इनको ऊपर से छिड़क देंगे, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं गाइस। एक बार इस तरह से बना के देखेगा। और ये इसमें ओमेगा 3 भी होता है, और जैसे हमने इसमें लहसुन धनिया वगैरह कुछ नहीं डाला था, लहसुन प्याज इस तरह से, तो इससे और ज़्यादा टेस्टी बनते गाइस। इस तरह से बना के देखिएगा। और इसमें ओमेगा 3 होता है, अलसी के बीज है ये, जिसको फ्लैक्सीड भी कहते हैं। इस तरह से बना के देखेगा, ये बहुत टेस्टी होते, देखा एकदम डिफरेंट कलर आ गया। और ये देखिए गाइस, गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे।